श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 9। इस अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभो आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूं। अहो कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु प्रतीत होती है वह भी स्वरूपता सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के क्षोभित होने के कारण केवल आप ही अनेकों रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। देव आपकी चित शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है। आपका यह रूप जिसके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूं सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। इसे आपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहले पहल प्रकट किया है। परमात्मन आपका जो आनंद मात्र भेद रहित अखंड तेजोमय स्वरूप है उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता। इसलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूप की ही शरण ली है। यही संपूर्ण भूत और इंद्रियों का भी अधिष्ठान है। हे विश्व कल्याणमय, मैं आपका उपासक हूं। आपने मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना यह रूप दिखाया है। जो पापात्मा विषयासक्त जीव हैं, वे ही इसका अनादर करते हैं। मैं तो आपको इसी रूप में बार बार नमस्कार करता हूं। मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को अपने कर्ण पुटों से ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्त जनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते, क्योंकि वे पराभक्ति रूप डोरी से आपके पाद पद्मों को बांध लेते हैं। जब तक पुरुष आपके अभयप्रद चरणारविंदों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं, और तभी तक उसे मैं मेरेपन का दुराग्रह रहता है, जो कि दुख का एकमात्र कारण है। जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण कीर्तन आदि प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर लेश मात्र विषय सुख के लिए दीन और मन ही मन लालायित होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन बेचारों की बुद्धि दैव ने हर ली है। हे अच्युत, हे उरुक्रम, इस प्रजा को भूख प्यास, वात पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, हवा और वर्षा से परस्पर एक दूसरे से तथा कामाग्नि और दुसह क्रोध से बार बार कष्ट उठाने देखकर मेरा मन बड़ा खिन्न होता है। स्वामिन, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने को भिन्न देखता है, तब तक उसके लिए इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि कर्मफल भोग का क्षेत्र होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है। हे देव, औरों की तो बात ही क्या, जो साक्षात मुनि है वे भी यदि आपके कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं तो उन्हें संसार में फंसना पड़ता है। वे दिन में अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण विक्षिप्त चित्त रहते हैं, रात्रि में निद्रा में अचेत पड़े रहते हैं। उस समय भी तरह तरह के मनोरथों के कारण क्षण क्षण में उनकी नींद टूटती रहती है, और दैववश उनकी अर्थ सिद्धि के सब उद्योग भी विफल होते रहते हैं। नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जा सकता है। आप निश्चय ही मनुष्यों के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। पुण्य श्लोक, प्रभो आपके भक्त जन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही वही रूप धारण कर लेते हैं। भगवान, आप एक हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरणों में स्थित उनके परम हितकारी अंतरात्मा हैं।
इसलिए यदि देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति भांति की विपुल सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं तो उससे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। किंतु वह सर्वभूत दया असत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता, वह अक्षय हो जाता है। अतः नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रत आदि के द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है, क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन फल है जो सुलभ नहीं हो सकता। आप सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश से ही प्राणियों के भेद स्वरूप अंधकार का नाश करते रहते हैं तथा ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष है। मैं आपको नमस्कार करता हूं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के निमित्त से जो माया की लीला होती है वह आपका ही खेल है। अतः आप परमेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके अवतार, गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन, जनार्दन, कंस निकंदन आदि नामों का विवश होकर भी उच्चारण करते हैं, वे अनेकों जन्मों के पापों से तत्काल छूटकर माया आदि आवरणों से रहित ब्रह्म पद प्राप्त कर लेते हैं। आप नित्य अजन्मा हैं, मैं आपकी शरण लेता हूं। भगवान, इस विश्व रूप वृक्ष में आप ही विराजमान हैं। आप ही अपनी मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए मेरे अपने और महादेव जी के रूप में तीन प्रधान शाखाओं में विभक्त हुए हैं और फिर प्रजापति एवं मनु आदि शाखा प्रशाखाओं के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत हो गए हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। भगवान, आपने अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बताया है, किंतु वे इस ओर से उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत या निषिद्ध कर्मों में लगे रहते हैं। ऐसी प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए इन जीवों की जीवन आशा को जो सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है, वह बलवान काल भी आपका ही रूप है। मैं उसे नमस्कार करता हूं। यद्यपि मैं सत्यलोक का अधिष्ठाता हूं जो दो परार्ध पर्यंत रहने वाला है और समस्त लोकों का वंदनीय है, तो भी आपके उस काल रूप से डरता रहता हूं। उससे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए ही मैंने बहुत समय तक तपस्या की है। आप ही अधियज्ञ रूप से मेरी इस तपस्या के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप पूर्ण काम हैं, आपको किसी विषय सुख की इच्छा नहीं है, तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु पक्षी, मनुष्य और देवता आदि जीव योनियों में अपनी ही इच्छा से शरीर धारण कर अनेकों लीलाएं की हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। प्रभु, आप अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश पांचों में से किसी के भी अधीन नहीं है, फिर भी इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन कर भयंकर तरंग मालाओं से विक्षुब्ध प्रलयकालीन जल में अनंत विग्रह की कोमल सैया पर शयन कर रहे हैं, वह पूर्व कल्प की कर्म परंपरा से श्रमित हुए जीवों को विश्राम देने के लिए ही है। आपके नाभि कमल स्वरूप भवन से मेरा जन्म हुआ है। यह संपूर्ण विश्व आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ हूं। इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि यह अध्याय थोड़ा सा लंबा है, इसलिए बाकी की प्रार्थना और जो चर्चा होगी वो हम दूसरे भाग में करेंगे। आप सबका धन्यवाद। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।